जी स्टूडेंट्स, आज वो टाइम आ गया कि जब हम कहें कि हम हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। लास्ट टॉपिक वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। इसको लास्ट में पढ़ाने का एक मकसद भी है, एक पर्पस भी है, एक मोटिव है। ये हम लास्ट में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इस टॉपिक में थ्योरी है, थ्योरी ज्यादा है। तो और आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको रिकॉर्डिंग भी मिल गई, तो ये थ्योरी आप अगर सुनते रहेंगे, रात को सोते वक्त कान में लगा लिया, सुना और फिर सो गए, सुबह उठाए एक दो बार सुन लिया, यानी ये वीडियो सुनिए 3-4 मरतबा, हैंड आउट को पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह वैट याद खुद ब खुद हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वैल्यू एडेड टैक्स आप लोग फेमिलियर हैं, इससे फेमिलियर हैं। क्या होता है इसमें? सेल्स टैक्स, जैसे पाकिस्तान में जीएसटी बोलते हैं, इसी तरह यूके में हम जब दुबई में थे तो पूरे मिडल ईस्ट में एक्सेप्ट ओमान और शायद कुवैत के अलावा वैल्यू एडेड टैक्स वहां पे भी इंट्रोड्यूस हुआ। ये यूके का कॉन्सेप्ट है वैल्यू एडेड टैक्स। पाकिस्तान और इंडियन वर्जन है वो जीएसटी है, जनरल सेल्स टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स और सेल्स टैक्स में क्या डिफरेंस है ये हमने नहीं पढ़ना, ये हमारे कोर्स में रेलेवेंट चीज नहीं है, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। बस हमें याद रखना है कि दोनों कुछ 19-20 होता है। बस किसी को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो पर्सनल मुझे पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो आपसे पेपर से पर्टेन नहीं करता। हमारा फोकस इस वीडियो का है वैल्यू एडेड टैक्स। आपने अपनी अर्लियर स्टडीज में, अगर आप फाउंडेशन लेवल से आए हैं, तो आपने FA1, FA2, FA3, यानी जिसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इनिशियल पेपर हम कहते हैं, उनके अंदर आपने वैल्यू एडेड टैक्स पढ़ा। मैं कहता हूँ जस्ट आपने देखा है, आपने पढ़ा थोड़ी है वहाँ वैल्यू एडेड टैक्स। जस्ट आपने कैलकुलेशन को सीखा है, ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है। आज जिंदगी में इंशाल्लाह पहली मरतबा हम आपको पढ़ाएंगे कि वैल्यू एडेड टैक्स है क्या। आपने सिर्फ उधर एक फार्मूला पढ़ा होगा, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस टैक्स, और टैक्स का रेट 20% आपने पढ़ा, ऐसा ही है ना? क्या मैं गलत नहीं कह रहा? वैल्यू एडेड टैक्स आपने यही पढ़ा है कि सर एक ग्रॉस अमाउंट होती है, एक नेट अमाउंट होती है, और टैक्स की अमाउंट होती है। ग्रॉस में टैक्स इंक्लूसिव शामिल होता है, जबकि नेट के अंदर टैक्स एक्सक्लूसिव शामिल नहीं होता। वैट का रेट अगर 20% अज्यूम किया जाए तो ग्रॉस हमेशा 120%, नेट हमेशा 100%, और टैक्स हमेशा 20%, अगर 20% है तो। थोड़े टाइम पहले ये 20% नहीं था, ये 17.5% था, तो ग्रॉस 117.5 हो जाएगा, यानी जो वैट का रेट होगा नेट हमेशा 100 रहेगा, नेट विल ऑलवेज बी 100%। टैक्स का रेट वो कुछ भी कहे, हम ग्रॉस निकाल लेंगे। ये तो एक आसान सी बात है, और आपने इस पर बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे अपने इनिशियल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर्स में, और वो वहाँ पे एग्जामिन भी होता है। कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे थ्योरी की। वैट की जनरल परसेंटेज जो है वो है 20%। कुछ स्पेसिफिक परसेंटेजेस भी हैं जो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस कर रहे होंगे। जनरल वैट जो है आमतौर पे जो चीजों पे लगता है यूके के अंदर इज 20%, और ये सिर्फ गुड्स पे नहीं, ये सर्विसेज रेंडरिंग पे भी लगता है। गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर, आप चीजें बेचे या आप सर्विसेज दे किसी को, यू हैव टू पे वैट जनरली 20%। होपफुली ये चीज आसान लगी, समझ आ गई। वैट प्रॉफिट पे नहीं होता, इनकम टैक्स प्रॉफिट्स पे होता है। इनकम टैक्स प्रॉफिट पे होता है, लॉस का रिलीफ मिलता है। इनकम टैक्स इज ऑन प्रॉफिट, लॉस पे मिलता है रिलीफ। लेकिन वैल्यू एडेड टैक्स प्रॉफिट और लॉस पे नहीं होता। वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो टर्नओवर पे होता है, सेल्स और परचेज। सेल्स पे जो टैक्स कैलकुलेट करते हो उसको बोलते हो आउटपुट टैक्स। याद आ रहा है बचपन में पढ़ा था, बचपन मतलब FA1, FA2, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इनिशियल पेपर्स। और परचेजेस पे ये रिक्लेम होता है, जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स।
आउटपुट और इनपुट का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं वैट पेबल या वैट रिसीवेबल। अगर आउटपुट ज्यादा हो और इनपुट कम हो तो वैट पेबल आता है, आउटपुट ज्यादा है लायबिलिटी ज्यादा है, इनपुट कम है एसेट कम है तो वैट रिसीवेबल आता है, आउटपुट इज अ लायबिलिटी और इनपुट इज एन एसेट। ये भी बचपन में टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, फिर टीचर ने आपको एक वैट का टी अकाउंट पढ़ाया होगा। टी अकाउंट का मेरे पास कोई काम नहीं है, हम यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग टी अकाउंट्स नहीं सीखेंगे, ये टैक्स का पेपर देना है, यहाँ टी अकाउंट नहीं बनता, यहाँ पे कैलकुलेशन इसी तरह होनी है। ये मैंने आपको समरी लिख दी जो आपने अपने इनिशियल स्टेज में, मेरे ख्याल में 2 या 4 क्लासों में आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, ये 4 लाइनों पे बेस हो रहा है। ठीक है, कुछ वेट की पेमेंट्स वगैरह कुछ एक्स्ट्रा चीजें पड़ी होंगी जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वेट एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी जिस पे लगता है वो पे नहीं करता, वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड कर लेता है और आगे वाले को चार्ज करता है, शिफ्ट करता है, आगे वाला अपनी प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड करता है, शिफ्ट करता है, और ये शिफ्ट होते 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 फाइनल कंज्यूमर को पे करना होता है। इसके अलावा हमने इस कोर्स में जितने भी टैक्सेस पढ़े वो सब डायरेक्ट टैक्स हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इनहेरिटेंस टैक्स हो गया, कैपिटल गेन्स टैक्स हो गया, ये सब डायरेक्ट टैक्स हैं, जो उसने कमाया वही पे कर रहा है। लेकिन वैट जो बेच रहा है वो नहीं दे रहा, जो कंज्यूमर है फाइनल कंज्यूमर वो पे कर रहा है। ठीक हो गया भाई। फिर यूके के अंदर जो भी टैक्सेबल सर्विसेज या गुड्स दी जाएंगी टैक्सेबल पर्सन की तरफ से उस पर वैट चार्ज होगा। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड वेंडर्स, आपको एक बात याद होगी, रजिस्टर्ड बंदा जो होता है वैट के अंदर वो ही इनपुट और आउटपुट क्लेम कर सकता है, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो इनपुट और आउटपुट क्लेम नहीं कर सकता। ये तो एक बेसिक सी पुरानी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको हमने रिकॉल करवा दी। अब रजिस्टर्ड नॉट रजिस्टर्ड की बात हुई, अब यहाँ पे आप कुछ हेडिंग है ये नहीं है, ये आपका F6 स्टार्ट हो रहा है, वैट का टॉपिक F6 के लेवल का यानी TX के लेवल का। सप्लाईज मैंने कहा कि मोस्टली जो है वो 20% होती हैं, फूड रेस्टोरेंट टेक अवे जो भी चीजें आमतौर पे होती है उस पर 20% जो है वो लगा हुआ होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे 0% वेट चार्ज होता है। तो यहाँ पे एक चीज नई आ गई कि एक है नॉर्मल सप्लाईज, एक है जीरो रेटेड सप्लाईज जिस पे वैट 0%। कैसे हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। डोमेस्टिक फ्यूल पे वैट का और पावर पे वैट का परसेंटेज 5% है। कुछ ट्रांजेक्शंस वैट से एग्जेम्प्ट हैं, वो भी लिस्ट आपके पास आएगी, और कुछ आउट ऑफ द स्कोप हैं। बिजनेस अगर अपना पूरा गोइंग कंसर्न के तौर पे बेच दोगे तो ये सारी चीजें आउट ऑफ द स्कोप हैं, हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। बचपन में आप पढ़ते थे जर्नल की बात करूंगा मैं, जर्नल आइटम्स, जर्नल आइटम्स पे इनपुट आउटपुट यानी बेचोगे तो देना पड़ेगा आउटपुट टैक्स, खरीदोगे तो क्लेम कर लोगे इनपुट टैक्स। 20% है वैट का रेट जर्नली, तो ये दोनों पे 20% हो जाता है। ये जर्नल गुड्स का पॉइंट है। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिसको हम बोलते हैं जीरो रेटेड, जीरो रेटेड, जीरो रेटेड, जीरो रेटेड। ये यहाँ ये टॉपिक आ रहा है इसका डिटेल में, और इसकी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि जीरो रेटेड में होता क्या है। जीरो रेटेड में आउटपुट टैक्स की परसेंटेज होती है 0, इनपुट टैक्स की परसेंटेज रहती है 20। फायदा ही फायदा है, फायदा कैसे सर? परचेजेस पे 20% क्लेम करोगे, सेल पे टैक्स नहीं दोगे। परचेजेस पे 20% क्लेम करोगे, सेल्स पे टैक्स नहीं दोगे, यानी रिसीवेबल ही रिसीवेबल क्रिएट होगा। मजा आ गया ना, तो बिजनेस करना ही कौन सा चाहिए, जीरो रेटेड सप्लाई का करना चाहिए, टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, वैल्यू एडेड टैक्स लगाना ही नहीं पड़ेगा, बस अपनी परचेजेस पे वैट क्लेम करते रहेंगे। अब वो जीरो रेटेड आइटम्स की लिस्ट याद करनी है, एक एक करके पढ़ूंगा। नॉन लग्जरी फूड्स, केक, जाफा केक्स, चाय, टी केक्स, टोर्टिला चिप्स और एनिमल फूड,
ये चीजें हैं जीरो रेटेड, जिसको बेचने पे 0% वैट लगेगा, जबकि उसको परचेज करने पे 20% इनपुट रिकवरेबल यानी क्लेम कर सकते हैं। बुक्स, न्यूज़पेपर्स, इस पे भी 0% रेट है, लेकिन जो न्यूज़पेपर में एड देते हैं वो जीरो रेटेड नहीं है, वो रेवेन्यू जीरो रेट नहीं, वो स्टैंडर्ड रेटेड है। और स्टैंडर्ड रेटेड क्या होता है, जिसपे इनपुट और आउटपुट दोनों 20% होता है, ये स्टैंडर्ड रेट है। जर्नल इसको बोलते हैं, आपसे हम उसका नाम क्या रखेंगे, स्टैंडर्ड रेटेड, यानी जिसपे इनपुट और आउटपुट दोनों 20% हो वो स्टैंडर्ड रेट है। प्रोटेक्टिव क्लोथ्स, हेल्थ क्रैश हेलमेट्स, सीवरेज एंड वाटर सर्विसेज, वर्क ऑन लिस्टेड बिल्डिंग्स बीइंग यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल और चैरिटेबल यूज, न्यू डीवेलिंग्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, जो ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है गुड्स या पैसेंजर वाली, और बच्चों के कपड़े और जूते, ये लिस्ट है जीरो रेटेड की। इन सारी चीजों पे बेचने पे वैट 0% और खरीदने पे वैट 20% रिकवरेबल होता है। होपफुली यहां तक कोई मसला नहीं है। अब है एग्जेम्प्ट आइटम्स। एग्जेम्प्ट आइटम्स क्या होती हैं? एग्जेम्प्ट आइटम्स होती है जिसपे इनपुट और आउटपुट दोनों 0% होता है, ना वेट लेने का ना वेट देने का, ना देना है ना लेना है। तो सबसे ज्यादा फायदा कौन से काम करने में है? स्टैंडर्ड रेट वाली आइटम्स का काम करने में ज्यादा फायदा है, जीरो रेट वाले में ज्यादा फायदा है कि एग्जेम्प्ट में ज्यादा फायदा है? तो हर सेंसेबल आदमी कहेगा सर जीरो रेटेड आइटम्स का काम करने में सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि उसमें देना नहीं होता लेने का होता है, आउटपुट नहीं होता इनपुट तो 20% पे क्लेम होता है, तो जीरो रेटेड सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है। एग्जेम्प्ट उसके बाद, और स्टैंडर्ड रेटेड पे तो आपको आउटपुट देना है। तो ये सीक्वेंस भी आपने याद रखनी है। एक हमने चार्ट भी बना दिया है नीचे, वो भी आप देखेंगे। दूसरा, एग्जेम्प्ट सप्लाईज होती क्या है? एग्जेम्प्ट सप्लाईज होती क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, बैटिंग एंड गेमिंग, हेल्थ सर्विस, नॉट फॉर प्रॉफिट एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग्स, विजुअल एंड सेरिमेंटल सर्विसेज, एंट्री फीस फॉर नॉन प्रॉफिट मेकिंग स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, ये चीजें होती हैं आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ये चीजें हैं आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाईज। अब एक टेबल हमने बना दिया है जिसमें एग्जेम्प्ट और जीरो रेट कंपेयर हुआ है। कैन चार्ज वैट, जीरो रेटेड पे 0% होता है हमें पता है, और सेल्स पे 0%, परचेजिंग पे 20% जीरो रेटेड में होता है। एग्जेम्प्ट में ना सेल पे होता है ना परचेज पे होता है। ये हमने टेबल को पढ़ लिया है। ये पहला टॉपिक हमारा खत्म हो गया है जिसमें टाइप्स ऑफ सप्लाईज की हमने बात करी। सेकेंड टॉपिक होता है वैट रजिस्ट्रेशन। वैट रजिस्ट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज, आपको वैट के लिए कब रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि इनपुट टैक्स, याद रखना, रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है, देखो रजिस्टर्ड हो या नॉट रजिस्टर्ड हो आउटपुट तो देना पड़ेगा, लेकिन आउटपुट अपनी कॉस्ट में ऐड करके आगे लोगों से क्लेम करना हो या इनपुट टैक्स आपने क्लेम करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैट पे रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अब वैट की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? तो हमारे पास एक चीज होती है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ये जो टॉपिक है वैट रजिस्ट्रेशन, इसका पहला पार्ट आपके सामने है जिसको हम कहते हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए दो टेस्ट हैं, एक है हिस्टोरिकल टेस्ट और एक है फ्यूचर टेस्ट। हम हिस्टोरिकल टेस्ट पहले पढ़ेंगे। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर पिछले 12 महीने में 85,000 को क्रॉस कर जाए तो उसके पास 30 डेज होते हैं उस महीने से जिस महीने में ये थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है कि वो HMRC को नोटिफाई करे कि भाई मैंने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का हिस्टोरिक टेस्ट मीट कर लिया है, मुझे रजिस्टर्ड होना है। और फिर रजिस्ट्रेशन कब से अप्लाई होगी? 1 month आफ्टर द लिमिट रीच्ड। बात समझिए, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के दो टेस्ट, पहला टेस्ट है हिस्टोरिकल टेस्ट,
पिछले 12 महीने में अगर आप 85,000 का टर्नओवर क्रॉस कर जाते हैं तो आपके पास 30 दिन है एचएमआरसी को बताने के लिए, उस महीने को छोड़ के जिस महीने में आपने लिमिट क्रॉस की उस महीने को भूलिए, इसके बाद के 30 दिन में आपने नोटिफाई करना है, और फिर आप फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ आफ्टर द लिमिट ब्रीच से रजिस्टर्ड कहलाएंगे। यह है वैट का हिस्टोरिकल टेस्ट। क्वेश्चन से करेंगे, दो क्वेश्चन दो एग्जाम्पल्स हमने रखी हैं ताकि ये कैसे होता है आपको समझ आ जाए। सबसे पहले एक क्वेश्चन है हिल लिमिट। हिल लिमिट कमेंस ट्रेडिंग ऑन 1 जनवरी 2019। इट्स मंथली टैक्सेबल सप्लाईज आर दिस एंड दैट। हर महीने का शुरू से आखिरी तक इसने बता दिया। कैलकुलेटर अगर आपके पास हो तो ये बड़ा आसान है। कैसे देखिएगा, इसको जरा हम ले लेते हैं वन नोट पे क्वेश्चन को, ताकि वहां पे हम कैलकुलेटर यूज करेंगे। जी क्वेश्चन आ गया है वन नोट पे, कैसे करना है, कैलकुलेटर उठाइए प्लस करते जाइए। आपने देखना है 85,000 कब मीट होता है, ये 33,500 प्लस दिस प्लस दैट प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस 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 करते जाइए कैलकुलेटर प्लस करते जाइए। और 85,000 याद रखिएगा, 85 को जब क्रॉस हो जाए मुझे बताइएगा, सिर्फ प्लस करते जाइएगा, सारी अमाउंट शुरू से लेके प्लस करते जाइए। और जब ये 85,000 हो जाए तो मुझे बताइए कि कौन सा महीना वो है, विच इज द लकी मंथ, जब हम 85,000 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहे हैं। मैंने स्क्रीन पे कैलकुलेटर शेयर किया है, 3,500 पहले महीने का प्लस 3600 प्लस 3700 प्लस 3800 प्लस 3840 प्लस 3910 प्लस 3980 प्लस 4050 प्लस 4120 प्लस 4490 प्लस 4550 प्लस 4630। 2019 का मैंने पूरा टोटल कर लिया, ये अभी तक 48,000 हुआ है, यानी अभी तक ये नहीं लिमिट को क्रॉस कर सका, यानी 12 महीने में लिमिट क्रॉस नहीं हुई। अब देखिए कैसे करना है, अब थोड़ा सा साइंटिस्ट बन के सोचें, साइंटिस्ट कैसे, थोड़ा सा टेक्निकल है, देखिएगा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपके सामने वन नोट शेयर हो रहा होगा, हमने यहाँ से यहाँ तक 12 मंथ्स को काउंट किया, ऐसा ही किया ना, लेकिन इसमें ये 41 मीट नहीं हुआ। अब क्या करें, इसको हटाओ इसको ऐड करो, यानी एक पिछला 12 महीने का थ्रेशोल्ड है ना, तो एक पिछला हटाओ एक अगला ऐड करो, एक पिछला हटाओ एक अगला ऐड करो, एक पिछला हटाओ एक अगला ऐड करते जाओ, रिमूव दिस ऐड दैट, यानी एक पिछला हटाना है, यानी हमने तो 12 महीने के थ्रेशोल्ड पे रहना है, और हमने ये देखना है ये सब एक एक करके हटते जा रहे हैं और एक एक करके ये ऐड होता जा रहा है। एक पिछला हट रहा है एक अगला ऐड हो रहा है, एक पिछला हट रहा है एक अगला ऐड हो रहा है। अभी भी कैलकुलेटर 85,000 नहीं दिखा रहा, ये हटाया इसको ऐड किया, ये हटाया इसको ऐड किया, अब कैलकुलेटर 85 के करीब पहुंच गया, लेकिन अभी भी 85 नहीं पहुंचा। नवंबर का 2019 हटाया और नवंबर 2020 ऐड किया, कैलकुलेटर क्या सीन दे रहा है हम देखें। अब मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, आपने किया है आपको क्या आंसर नजर आ रहा है। मेरे पास आ रहा है 85,060 आ रहा है, यानी मैं कहता हूं कि नवंबर, एक बार इस वीडियो को पोस्ट करके शुरू से देख ले, यानी ये क्वेश्चन शुरू से देख ले, ताकि अगर कुछ आपको कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो और फिर कंटिन्यू करें। नवंबर 2020 वो मंथ है जिसमें इसका टर्नओवर जो है वो 80
5000 को क्रॉस कर गया और वो आ रहा है 85060, ठीक हो गया। फिर इसने एक प्लांट भी बेचा है भाई, प्लांट बेचना नहीं, प्लांट बेचने पे तो सीजीटी होता है, सही है, वैट जो है वो आम नॉर्मल टर्नओवर पे लगता है, तो प्लांट को तो हमने डिसरिकार्ड किया हुआ है। अब करना क्या है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर पढ़ना है, हमने क्या करना है, इसको नोटिफाई करना है ना, नोटिफाई टू एचएमआरसी। एचएमआरसी को नोटिफाई कब करेगा, 30 दिन के अंदर। आप देखिएगा यही हमने पढ़ा था ये यहाँ पे, कि विद इन 30 डेज इसको क्या करना है, एचएमआरसी को नोटिफाई करना है, विद इन 30 डेज इसको एचएमआरसी को नोटिफाई करना है। तो ये नवंबर में मीट कर गया, तो नवंबर का महीना छोड़ दो, 30 दिन है आपके पास, तो 30 दिसंबर लास्ट डेट ऑफ द मंथ नहीं होगी, जो महीने में आपने थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया है उस महीने को छोड़ दो, अगले महीने की 30 तारीख जो है, 30th जो है वो आपकी होगी नोटिफिकेशन डेट। और रजिस्ट्रेशन डेट क्या कहलाएगी, आपकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या होगी, तो यहाँ पे पढ़िए, रजिस्ट्रेशन अप्लाई होगी नोटिफिकेशन के बाद जो महीना आएगा उसकी पहली तारीख से। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी, नोटिफिकेशन की डेट के बाद जो पहली तारीख आएगी उससे। तो 30 दिसंबर को नोटिफाई हुआ, 30 दिसंबर के बाद पहली तारीख कब आएगी, तो पहली तारीख 1 जनवरी 2021 में आएगी। तो ये डेट वो होगी जिस पे हम सम कहलाएंगे कि भाई हम रजिस्टर्ड हो गए। ये आंसर है कि नोटिफाई करेगा, यानी आंसर क्या है, नवंबर 20 में 12 महीने का टर्नओवर 85,000 को क्रॉस कर गया, तो उसको 30 दिन यानी नवंबर के महीने को छोड़ के अगले 30 दिन है यानी 30 दिसंबर तक एचएमआरसी को नोटिफाई करना है, और उसके बाद जो पहली तारीख आएगी उससे वो रजिस्टर्ड तसव्वुर किया जाएगा। द कंपनी विल बी रजिस्टर्ड फ्रॉम 1 जैन 2021। ये है हमारे पास सिंपल सा सिनेरियो। वेट रजिस्ट्रेशन में, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में, अगर हिस्टोरिकल टेस्ट पूछा जाए तो।